सो हम फाइनली हेयर आर द बैटल फील्ड ऑफ लोंगेवाला। और लोंगेवाला की कहानी बहुत ही खूबसूरत है। 1971 में पाकिस्तान ने जब इंडिया के ऊपर हमला किया अपने 1800 सोल्जर्स और बहुत सारे टैंक्स के साथ, तो लोंगेवाला पे सिर्फ 23 पंजाब रेजिमेंट के 120 सोल्जर्स थे और उनके पास कुछ मशीन गन्स और नॉर्मल गन्स थी। लेकिन तब भी उन्होंने यहाँ पे पाकिस्तानी फोर्सेस को होल्ड कर रखा पूरे रात। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वैभव विस्तार से। अभी तक मैंने आपको राजस्थान के बहुत सारे शहर दिखाए, बहुत सारी कहानी बताई, लेकिन अब मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वो है थार डेजर्ट का एरिया। इस ज़मीन पे खड़े होने का जो सौभाग्य मिला है मुझे, वो इसीलिए मिला है क्योंकि किन्हीं लोगों ने, कुछ सिपाहियों ने, कुछ जवानों ने इसके लिए जान दी, इसके लिए लड़े। आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है, मेरे लिए तो खासकर बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि मैं जो कहानी बताने वाला हूँ आपको, मैं उसको सोच के भी मेरे गूज़बम्स आ जाते हैं। मैं वहीं पे जा रहा हूँ, द फेमस लोंगेवाला पोस्ट जाऊँगा, और उसके पहले पड़ता है तनौट माता का मंदिर, वो भी आपको दिखाऊँगा और सब कहानी बताऊँगा जो भी उससे रिलेटेड है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी कहानी है। तो जो भी ये जानना चाहते हैं कि कैसे 1971 में इंडिया ने फाइट करा पाकिस्तान को और अपने हिस्से की ज़मीन अपने पास रखी, तो ये ब्लॉग एंड तक देखिएगा। शुरू करते हैं सफ़र अपना लोंगेवाला की ओर। बाय बाय सैंड ड्यून्स, आना होगा दोबारा कभी, ज़्यादा टाइम के लिए रुकूंगा फिर। मेरा मन तो बहुत था कि बॉर्डर के पास के किसी गांव में जाके मैं किसी फैमिली के घर में ही रहूं और जानूं कि उनकी लाइफ कैसी रहती है बॉर्डर के इतना पास रह के, वो क्या करते हैं, उनकी लाइफस्टाइल क्या होती है, उनकी डेली रूटीन क्या होता है। लेकिन सैडली, लेकिन इस बार तो नहीं हो पाएगा ये, देखते हैं आगे कब मौका मिलता है। कभी ना कभी तो मैं जाऊंगा और ये चीज़ एक्सपीरियंस करूंगा। छोटे से बच्चे को गुलाब जामुन देख के खुशी होती है ना, वैसे ही मुझे वो एकदम बढ़िया रोड देख के हो रही है। इतनी सुंदर, इतनी बढ़िया रोड बनाई है बीआरओ ने। अरे भाई बीआरओ, एक ही तो दिल है, कितने बार जीतोगे। गंगोत्री साइड भी मैं गया था, बहुत ही बढ़िया रोड बनाई थी, और इधर भी, मतलब ये रोड्स पे राइड करने में मज़ा आता है। शीप्स आ गई, भेड़ बकरी, ओ अरे डर क्यों नहीं हो यार। आप सोच रहे होंगे कि ये रेगिस्तान भरी रोड में मैं कैसे आ गया, अभी तो अच्छी खासी रोड पे चल रहा था जो बीआरओ ने बनाई थी। तो हुआ कुछ ऐसा कि मुझे मेन रोड से राइट हैंड साइड टर्न लेना पड़ा रामगढ़ के लिए, क्योंकि मेरी बाइक पे पेट्रोल बहुत कम था और मुझे टंकी फुल करानी है इंडिया के आखिरी पेट्रोल पम्प पे। वो आखिरी पेट्रोल पम्प है, उसके आगे लोंगेवाला और तनौट पे कोई भी पेट्रोल पम्प नहीं मिलेगा, तो पेट्रोल मुझे टंकी वहीं पे फुल करानी पड़ेगी, इसलिए मेरा ज़रूरी है रामगढ़ पहुंचना। यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर है रामगढ़ और स्पीड बढ़ नहीं पा रही, स्पीड तेज़ कर नहीं सकता क्योंकि बार बार सैंड के वो टीले आ जाते हैं रोड पर और बहुत स्लिपरी बना देते हैं। लेकिन जैसा भी है, आज तनौट तक पहुँचना है और आपको पूरी कहानी बतानी है। तो दिक्कत एक और बहुत बड़ी हो रही है कि यहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से गूगल मैप्स ने मेरा साथ छोड़ दिया है। अब मैं लोगों से पूछ पूछ के जा रहा हूँ रामगढ़ के लिए। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो अगर आपके पास जियो का सिम है तो उस पर रिचार्ज करा लीजिएगा, क्योंकि जियो का नेटवर्क आता है हल्का फुल्का, इंटरनेट का नहीं पता लेकिन कॉल हो जाएगी। एयरटेल का तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा नेटवर्क, इसकी वजह से रामगढ़ पहुँचने का रास्ता लोग ही बता रहे हैं, लोग ही गाइड कर रहे हैं। तो मैं पहुंच गया हूं, रुक जाओ पहुंच ही जाऊं फिर बताऊं। तो मैं पहुंच गया हूं इंडिया के आखिरी पेट्रोल पंप पे। यहां से अपनी बाइक की टंकी फुल करानी है और फिर डायरेक्ट जाना है तनौट और लोंगेवाला। यहां देखते हैं कितने में पेट्रोल है, सबसे महंगा यहीं में मिलेगा लगता है। लेट्स सी भाई पैसे। डाल दीजिए, फुल कर दीजिए। कितने में है, कितने में है?
111 सबसे महंगा यही होगा पूरे राजस्थान में। मीटिंग चल रही है, क्या डिसाइड हुआ फिर? अच्छा, गोबर ये किसने किया है? अच्छा नहीं बताओगे, ठीक है। इतना खूबसूरत है इंडिया, आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? निकलिए घर से, प्लान बनाइए और कहीं ना कहीं होके आइए। कहीं कहीं पे इतना ज़्यादा तगड़ा मिराज बनता है कि लगता है पानी ही भरा हुआ है, जब पास जाके देखो तब पता चलता है पानी नहीं है। ये चीज़ एक्सप्रेसवेज और हाईवेज पे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा अच्छी तरह बनता है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे है रोड्स। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ तनोट माता के मंदिर पे। इस मंदिर की इम्पोर्टेंस केवल यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए ही नहीं बल्कि इंडियन आर्मी के लिए भी बहुत ज़्यादा है। ऐसा क्यों है इसका मैं थोड़ी कहानी बताना चाहूँगा। 65 और 71 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो भी लड़ाइयाँ हुई, बहुत सारे बम पाकिस्तान ने शेलिंग के द्वारा इस जगह पे गिराए, इस जगह के आसपास के गांव में गिराए, लेकिन कोई भी बम, लगभग 3000 बम गिराए और कोई भी बम एक्सप्लोड नहीं हुआ, ब्लास्ट नहीं हुआ, सारे बम वैसे के वैसे ही हो गए और बेकार निकल गए। ये शक्ति है इस जगह की, ये शक्ति है माता नॉट की, तो इसलिए बहुत मान्यता है यहाँ पे इस मंदिर की। यहाँ का सारा देखभाल जो करती है इंडियन आर्मी करती है, इंडियन आर्मी ने ही मेंटेनेंस करा हुआ है और आर्मी ने ही यहाँ पे पिलर बनाया हुआ है वो 71 की जीत को याद रखने के लिए। तो काफ़ी शांति मिलती है, अच्छा लगता है इधर आके। अब लोग कहेंगे कि ये सब अंधविश्वास है, लेकिन मैं कहूँगा मानो तो गंगा माँ वरना बहता पानी। अब मैं यहाँ से जाऊँगा लोंगेवाला, जहाँ पे मेन बैटल हुई थी और क्या हुआ था वो पूरी कहानी मैं आपको लोंगेवाला पहुंच के बताऊंगा। फाइनली हेयर एट द बैटल फील्ड ऑफ लोंगेवाला, और लोंगेवाला की कहानी बहुत ही खूबसूरत है। 1971 में पाकिस्तान ने जब इंडिया के ऊपर हमला किया अपने 1800 सोल्जर्स और बहुत सारे टैंक्स के साथ, तो लोंगेवाला पे सिर्फ 23 पंजाब रेजिमेंट के 120 सोल्जर्स थे और उनके पास कुछ मशीन गन्स और नॉर्मल गन्स थी, लेकिन तब भी उन्होंने यहाँ पे पाकिस्तानी फोर्सेस को होल्ड कर रखे रखा पूरे रात। और वो कैसे रखा वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सो 9:30 बजे रात को जब मेजर कुलदीप सिंह को पता चला कि पाकिस्तानी सोल्जर्स ने इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस कर लिया है और वो इंडिया पे अटैक करने वाले हैं, तो उन्होंने अपने सुपीरियर्स को बताई ये बात। सुपीरियर्स ने कहा कि लोंगेवाला के पास कोई भी बैकअप नहीं है इमिडिएटली, तो आपको वो पोस्ट खाली छोड़ के पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन कुलदीप सिंह ने डिसाइड किया कि वो ऐसा नहीं करेंगे और वो लड़ेंगे आखिरी सांस और आखिरी गोली तक। तो उन्होंने रात भर लड़ाई करी और रात भर ऐसी स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स अपनाई जिससे वो रात भर रोक सके पाकिस्तानी फोर्सेस को। क्या टेक्निक्स थी वो भी मैं बताना चाहूँगा। उन्होंने अपनी कंपनी से कह के यहाँ पे माइनफील्ड सेटअप कराई, जहाँ पे माइंस नहीं लग पा रही थी वहाँ पे बार्ब्ड वायर पे उन्होंने फॉल्स एक साइन लगा दिया कि माइनफील्ड अहेड। उससे क्या हुआ कि जब पाकिस्तानी फोर्सेस उस बार्ब्ड वायर के पास आईं तो उनको दिखा कि यहाँ पे तो माइंस है। उसको फिगर आउट करने में कि वहाँ पे माइंस हैं या नहीं उनको घंटे दो घंटे लग गए, जिससे उन्होंने बहुत टाइम वेस्ट करा दिया पाकिस्तानी फोर्सेस का। और 5:30 बजे सुबह तक रोक के रखा यहाँ पे, फिर 5:30 बजे जैसलमेर एयरफील्ड से इंडियन एयरफोर्स ने बैकअप दिया आके और यहाँ पे इंडिया की जीत हुई। सो उनकी बहादुरी और देशभक्ति के लिए मेजर कुलदीप सिंह को महावीर चक्र और उनकी ही कंपनी के 10 सोल्जर्स को वीर चक्र से सम्मानित किया गया।